हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोशन है, कि मोशन किसे कहते हैं। तो मोशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मोशन में क्या है, मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो मोशन की डेफिनेशन है, अ बॉडी सेट टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये क्या है? ये डेफिनेशन है मोशन की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करेगी कॉन्टिन्यूअसली, मतलब लगातार, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से अपने पोजीशन को वो क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रही है। जैसे अभी कोई बॉडी पॉइंट ए पे है, ठीक, कोई बॉडी जो है वो पॉइंट ए पे है, और कुछ टाइम बाद ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद पॉइंट सी पे पहुंच जाएगी, फिर कुछ समय बाद वो पॉइंट किस पे, डी पे पहुंच जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या कर रही है, वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, तो देन वी कैन से इट्स डूइंग मोशन। वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड फ्लाइज इन अ स्काई। आप बर्ड्स को देखते होंगे, वो आसमान में क्या करती हैं, एक मिनट पहले यहाँ पे होती हैं और फिर उड़ते हुए दूसरे मिनट दूसरे प्लेस पे चली जाती हैं। यानी कि क्या, वो क्या करती हैं, मोशन करती हैं। मूविंग कार, कुछ समय पहले कार यहाँ पे थी, कुछ समय बाद कार क्या हो जाती है, आगे चली जाती है। या वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, चलना भी क्या है, एक तरह का मोशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मोशन के बारे में। मोशन की डेफिनेशन ये है और एग्जाम्पल ये है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, मोशन के बारे में, कि मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। अब जानते हैं हम लोग मोशन के बारे में, मोशन कितने टाइप्स का होता है। तो मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन को क्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में, तो वो बॉडी किस टाइप का मोशन करती है, वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉडी जो है वो 20 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो नेक्स्ट जो 20 मिनट होगा उसमें वो कितना ट्रेवल करनी चाहिए, उसे 1 किलोमीटर ही ट्रेवल करनी चाहिए। अगर वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो हम क्या कहेंगे, वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। क्या कर रही है, वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, और नेक्स्ट सेम टाइम इंटरवल में भी सेम डिस्टेंस ही कवर हो रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, किसके बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो हम अगर एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लेते हैं, तो हम देखते हैं जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से क्या होगा, पास होगा। ये ग्राफ शो करता है कि टाइम के फेजेस और डिस्टेंस के फेजेस क्या है, सेम है। इस वजह से हमें क्या, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, जिसे हम हिंदी में असमान गति कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। यानी कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में, तो वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है। यहाँ पे भी हम एग्जांपल से बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी 20 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो नेक्स्ट 20 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करेगी। अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जांपल से कि
टाइम क्या है, टाइम सेम है बट डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। वो यहाँ पे वो 1 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर रही है, वो उससे ज़्यादा भी कर सकती है, उससे कम भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये एग्जांपल है कि इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगर कोई ऐसी बॉडी कोई इस टाइप का मोशन कर रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। अच्छा, आते हैं अब इसके ग्राफ पे, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ पे। तो आप देखोगे इसका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसा होता है, कर्व शेप का होता है। कैसा होता है, एक कर्व शेप का होता है। ये कर्व शेप क्या शो करता है कि टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। फिर तो आप लोग समझ गए होंगे कि मोशन मोशन दो टाइप के होते हैं, कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।